एक चिड़िया की तीन बातें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चिड़िया की वह कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जो मनुष्य के जीवन को सुखी बनाती हैं? तो मित्रों, वीडियो में अंतिम तक बने रहें, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पराक्रमी, दयावान, दानी एवं धर्मात्मा था। एक दिन वह अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी वहाँ पर राजा को एक चिड़िया घायल अवस्था में मिली। राजा दयालु था, उसने उस चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया एवं अपने राजमहल ले जाकर उस चिड़िया को जल पिलाया एवं राजवैद्य द्वारा उसके पंखों में कुछ घाव थे उनका इलाज करवाया एवं जब तक वह चिड़िया पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गई तब तक राजा ने उस चिड़िया की प्रेम पूर्वक सेवा की। कुछ दिन बाद चिड़िया पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो राजा चिड़िया को स्वस्थ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी वह चिड़िया उड़कर राजा के समक्ष बैठ गई और मनुष्यों की भांति बोलने लगी। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। चिड़िया ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दयावान, धर्मात्मा, न्याय करने वाले एवं तुम में बहुत से अच्छे गुण विद्यमान हैं, इसलिए मैं तुम्हें सुखी जीवन की तीन बातों को बताती हूँ। ध्यान से सुनो, मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा अच्छा राजा हमेशा सुखी रहे, क्योंकि हे राजा, अगर तुम सुखी रहोगे तो तुम्हारी प्रजा भी तुम्हारे कारण निश्चित ही सुखी रहेगी एवं लोगों का तुम कल्याण कर सकोगे। चिड़िया ने फिर कहा, हे राजन, स्वाभिमान, सम्मान एवं सुखी जीवन जीने के तीन सूत्र हैं। वह है उपयोगिता, भावना एवं कर्तव्य। उपयोगिता व्यक्ति के संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है, भावनाएं परिवार को मजबूत बनाती हैं और कर्तव्य घर परिवार एवं समाज में एकता एवं समन्वय को स्थापित करती है। मनुष्य को उपयोगिता के बदले उपयोगिता, भावना के बदले भावना, परंतु कर्तव्य के बदले कुछ नहीं। अर्थात कर्तव्य को निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। मनुष्य को जीवन व्यवस्थित एवं सही तरीके से जीना चाहिए। जो माता पिता समस्त दुखों को सहकर हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें सुखी रखते हैं, उन माता पिता को दुख देना व्यक्ति की कायरता है। हे राजा, असहाय बेजुबान जीवों की, पशु पक्षियों जानवरों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है एवं हिंसा है और यह अमानवीयता है। हे राजन, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो जीवों पर दया करते हैं, जो पाप नहीं करते एवं पुण्य कर्म करते हैं एवं जो अच्छे गुणों से परिपूर्ण रहते हैं एवं गृहस्थ जीवन में भी रहकर जो ईश्वर का गुणगान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भयंकर रोग नहीं लगते एवं उनका जीवन सुखी रहता है। हे राजा, प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता। उसे व्यक्ति जितना अधिक दूसरों को देता है उतना ही अधिक प्रेम वह दूसरों से प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, इतना कहकर वह चिड़िया एक देवी के रूप में बदल गई। राजा आश्चर्य से देख रहा था। उस देवी ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया। तुम वास्तव में बहुत ही दयालु हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो एवं अच्छे गुणों से परिपूर्ण हो। तब राजा ने कुल देवी को प्रणाम किया एवं वह देवी राजा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। मित्रों, कहानियाँ हमें ज्ञान देती हैं, हमें शिक्षा देती हैं। ज्ञान कहीं से भी मिले उसे अर्जित कर लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।